भाइयों और बहनों, करप्शन चाहे स्पोर्ट्स में हो या फिर सरकार की दूसरी योजनाओं में, देश इन्हें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही कारण है कि हमारी सरकार उन लोगों को भी कानून के कटघरे में तक ले आई है जिनके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। आप भी देख रहे हैं, जिन्होंने देश से धोखा किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार बना दिया था, ऐसे लोगों को आज अदालत का सामना करना पड़ रहा है। देश के ईमानदार करदाताओं के पैसे से अपनों का भला करने वालों को उनकी सही जगह पर ही हम दम लेंगे। आपको ये विश्वास दिलाने में यहां आया हूं, विकास से युक्त, भ्रष्टाचार मुक्त नए भारत के संकल्प के लिए आपका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहे, मिलता रहा है, मिलता रहेगा।